आज का वीडियो शुरू करने से पहले जरा इमेजिन करें कि आप एक खुशनुमा सफर पर निकले हैं और आपको रास्ते में ऐसे नजारे देखने को मिले। तो स्वागत है आपका इस ब्लॉग में, आई एम प्रवीण चौहान एंड यू आर वॉचिंग प्रवीण द हाइकर। और ये नजारे हैं नैनीताल से मुक्तेश्वर जाने वाले रास्ते के। मुक्तेश्वर नैनीताल से लगभग 48 किलोमीटर दूर लोकेटेड बेहद खूबसूरत छोटा सा हिल स्टेशन है। आप अगर कार से यहाँ पर आते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे की ड्राइव करके आना हो। तो गाइस, जिस तरह के वाटरफॉल आपको यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, मुक्तेश्वर वाले रास्ते पे हूँ अभी मैं नैनीताल से मुक्तेश्वर, और इतना सुंदर ये जो झरना है आप देख पा रहे हो, बड़ा ही अच्छा झरना है। ऐसे ही आपको वाटरफॉल यहाँ पर रास्ते पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल से मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर पहुँच के आपको मुक्तेश्वर घुमाऊंगा, मुक्तेश्वर में क्या क्या जगह है घूमने की वो दिखाऊंगा। चलिए आपको ले चलता हूँ अपने सफर पर। कहते हैं कि आप यहाँ आकर नंदा देवी, त्रिशूल आदि हिमालय पर्वत चोटियों को देख सकते हैं, बशर्ते मौसम साफ होना चाहिए और बादल ना छाए हों। हे गाइस, तो मैं अभी पहुंच चुका हूं मुक्तेश्वर धाम, और अभी मुक्तेश्वर धाम के अंदर हम आए हैं। यहां पर मुक्तेश्वर मंदिर है और ये नैनीताल से लगभग 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। और अभी हम जा रहे हैं, यहां पर एक चोली की जाली पड़ती है, एक पहाड़ है बेसिकली, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पहुँच कर आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का पहाड़ है, बहुत ही प्यारा है। अरे मुक्तेश्वर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन है मुक्तेश्वर की, आप दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अम्ब्रेला भी रेंट पे मिल जाएगा। मैंने तो रोडोटेन कोड डाला हुआ है, एक अम्ब्रेला हमने रेंट पे यहाँ पर ले लिया। तो कितना रेट है अम्ब्रेला का? नॉमिनल प्राइस 25 रुपीज़ ईच। 25 रुपीज़ का आपको जो है अम्ब्रेला यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप 25 रुपये में छाता रेंट पर ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बारिश है। देखिए रेनी सीजन में आए हैं तो यहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही है और पूरे रास्ते बारिश होती है, ये जैसे कि आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। बाकी रास्ता बहुत ही प्यारा है, अत्यंत मनोहर रास्ता है यार। इस ठंड के अंदर ना बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, तो ऐसा फील आ रहा है। आप एक बार नीचे का नज़ारा देखो यार, वाओ। तो गाइस आप देख रहे हो ये मुक्तेश्वर धाम पे, यहाँ पे चट्टानें और ये नीचे का व्यू पूरा धुंध से भरा हुआ है, क्लाउड यार। पीछे का नज़ारा देख रहे हो, ऑसम यार, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार ये व्यू। बारिश आ रही है, हवा चल रही है, और आप समझ सकते हैं कि मतलब ठंड हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है काफ़ी, मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना। पूरा क्लाउड कवर देखो यार, पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, चट्टान के नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा क्लाउडी वेदर है यार, पूरा क्लाउडी वेदर। सो रेनी सीज़न में आने का ये बेनिफिट है वैसे, कि आपको पूरा क्लाउड कवर दिखेगा। देखो बादल छटते हैं तो कुछ घर दिखते हैं। हमारे यहाँ के लोग बड़े कलाकार हैं वैसे, टैलेंटेड हैं, यहाँ पे भी नाम लिख जाते हैं पत्थरों पे। यहाँ पर वार्निंग भी दी गई है, चट्टान के सिरे पर जाना सख्त मना है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टॉप पर चले जाते हैं व्यूज़ वगैरह के लिए, और यहाँ पर पैर फिसलने का डर है, तो हम तो नहीं जाएंगे ऊपर। इस हिल स्टेशन का नाम संत मुक्तेश्वर के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, इसी कारण इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। पहाड़ में इस छेद को ही चोली की जाली कहा जाता है। चोली का मतलब है पहाड़ और जाली का मतलब है छेद। मैं आपको पास से तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि एक तो नीचे की तरफ बादल बहुत छाए हुए हैं और बहुत ही कम विजिबिलिटी है, एंड बारिश के कारण फिसलन भी काफी हो गई है, तो ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अदरवाइज मैं आपको ये चोली की जाली नजदीक से जाकर दिखाता। और कई लोक कथाओं के अनुसार सैम देवता अपने गणों के साथ यहाँ पर एक बार आए थे भगवान शिव के दर्शन करने, और कई कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ अपने गणों के साथ यहाँ पर आए थे और भगवान शिव से मिलना चाहते थे, लेकिन यह पहाड़ उनके बीच में रास्ता रोक रहा था।
तब उन्होंने अपने त्रिशूल से वार करके इस पहाड़ में ये छेद किया, जिसे चोली की जाली के नाम से आज जाना जाता है। तो गाइज, मैंने अभी आपको जो दिखाया एक पहाड़ में जो होल है, उसी को चोली की जाली बोला जाता है। तो जो जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, जिन महिलाओं को काफ़ी सालों जो है संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो उस होल के अंदर से वो निकलती हैं, और निकलने पर कहते हैं ऐसी मान्यता है कि उनको जो है संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। तो यह मान्यता इस चोली की जाली के साथ फेमस है। और बाकी कहते हैं शिवरात्रि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं शिवरात्रि के ऊपर। तो यही इस चोली की जाली की महत्वता है कि इस होल के अंदर निकलने से कहते हैं संतान प्राप्ति का उन्हें सुख मिलता है। यह मान्यता इस चोली की जाली की है जो मैंने आपको अभी दिखाई। आइए अब चलते हैं मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ से थोड़ा हाइट पे है, और चलकर देखते हैं मुक्तेश्वर मंदिर कैसा मुक्तेश्वर मंदिर है। और देखते हैं, शायद रास्ता मंदिर की तरफ ही जाता होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। एडवेंचर है ये, एक टाइप से हम एडवेंचर कर रहे हैं यार, इतनी रेन के अंदर, यू नो, इतनी ठंड में। बारिश बहुत तेज हो चुकी है गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार बारिश के अंदर जा रहे हैं भीगते हुए ठंड में। इसका भी एक अपना ही एक्साइटमेंट है, अपना ही मज़ा है। तो गाइस, ये है मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। अभी कपाट बंद हैं इसके, श्राद्ध होने के कारण श्राद्ध में बंद कर दिए जाते हैं, बट मैं आपको दर्शन करा दूंगा। जाली में से दर्शन हो रहे हैं, जय महादेव। आप देख पा रहे हो मुक्तेश्वर महादेव की स्वरूप यहाँ पर शिवलिंग के रूप में। कपाट बंद है बाकी। श्राद्ध के कारण यहाँ पर जो है कपाट बंद किए गए हैं। बाकी मंदिर है यहाँ पर, काफ़ी फेमस मंदिर है। आप आते हैं मुक्तेश्वर में तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। तो दर्शन करने के बाद अब हमें लगने लगी थी बहुत तेज भूख। तो जस्ट इस मंदिर के गेट पर एक छोटा सा होटल है, वहां से हमने ऑर्डर किया राजमा चावल और मैगी विद गर्मा गर्म चाय। यकीन मानिएगा, वन ऑफ द बेस्ट राजमा चावल थे ये जो मैंने कभी खाए थे, क्योंकि शायद हमारी भूख ने या इस ठंड भरे बारिश वाले मौसम ने इसका जायका और बढ़ा दिया था। तो आप भी आए तो यही ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह के नज़ारे आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे जब आप मुक्तेश्वर के लिए आते हैं। तो अब मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ, एक बार नज़ारा देखिए।
आपको यहाँ पर रास्ते में सेब के बाग भी देखने को मिलेंगे। अब हम आ पहुंचे थे भवाली के पास लोकेटेड एक टी फैक्ट्री में। गाइस अभी मैं घूम रहा हूँ टी गार्डन पे, यहाँ पर टी फैक्ट्री भी है और ये यहाँ पर पूरा आप चाय की खेती देख पा रहे हो। यहाँ पर सारी चाय की खेती लगी हुई है दोनों साइड, मेरे दोनों तरफ मेरे यहाँ पर चाय के बागान हैं, देख पा रहे हो आप। स्प्रिंकलर्स भी लगे हुए हैं पानी देने के लिए। बहुत ही सुंदर टी गार्डन है यार यहाँ पे, आप आए तो टी गार्डन जरूर विजिट करें। तो गाइस आप देख पा रहे हो मेरे पीछे जो है ये चाय की खेती हो रखी है यहाँ पर। अभी पता क्या है कि इस चाय के प्लांट में एक छोटा सा जो है एक ना बीज फ्रूट टाइप का लगा होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख पा रहे होगे आप, तो ये जो गोल गोल राउंड गोल गोल जो आपको राउंड दिख रहा है ये एक टाइप से इसका बीज है। अगर खेती करनी है दोबारा तो इसमें से बीज को कहीं और प्लांट किया जाता है, जिससे ये एक प्लांट जो है आप उगा सकते हो। इसकी जो बिल्कुल पतली पतली कलियां होती हैं उनमें से चाय बनाई जाती है। पतले पतले पत्ते होते हैं, जो छोटे छोटे नए पत्ते आते हैं उनका ढाई पत्ता तोड़ा जाता है और चाय बनाई जाती है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो आपको इसे लाइक करना है और अगर आप कोई भी क्वेरी है आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या मुक्तेश्वर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, टिल देन।